हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने फिट एंड मैकेनिकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है। फ्रेंड्स, हाल ही में PGCIL ने एक न्यू नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे पदों पर जो है भर्ती निकल कर आ रही है। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ बने रहिए। इस वीडियो में मैं आपका सारा कुछ जो है क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मेंशन किया गया है, PGCIL पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, पावर ग्रिड द सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांसमिशन यूटिलिटीज इन द वर्ल्ड एंड ए महारत्न पब्लिक सेक्टर इंटर्नशिप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये जो संस्था है ये एक महारत्न संस्था है फ्रेंड्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है अंतर्गत आती है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी संस्था है और इसमें आपका जॉब प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं पोस्ट कैटेगरी वाइज ब्रेक अप ऑफ पोस्ट। तो फ्रेंड्स, इसमें जो दिया गया है डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की, फ्रेंड्स इसमें जो पोस्ट दी गई है, टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 35 इसमें जो है टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें UR जनरल की 16 वैकेंसी हैं, EWS की इसमें 3 वैकेंसी हैं, OBC की फ्रेंड्स इसमें जो है 9 वैकेंसी हैं, SC की फ्रेंड्स बात करें तो इसमें 6 वैकेंसी हैं, ST की फ्रेंड्स इसमें 1 वैकेंसी है, PWD की जो है फ्रेंड्स इसमें 2 वैकेंसी है, और जो एक्स सर्विस मैन है फ्रेंड्स उसकी इसमें जो है 5 वैकेंसीज हैं। तो आइए फ्रेंड्स, और हम देख लेते हैं कि इसमें जो है आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो फ्रेंड्स, डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 70% मार्क्स फॉर जनरल OBC फ्रेंड्स EWS। फ्रेंड्स, इसमें जो है आप 70% मार्क्स के साथ फुल टाइम 3 ईयर का डिप्लोमा जो है आप पास आउट होने चाहिए एंड पास मार्क्स SC ST PWD। और फ्रेंड्स, जो पासिंग मार्क्स हैं उसके साथ ST SC PWD जो है कैंडिडेट जो है पास होना चाहिए डिप्लोमा। फ्रेंड्स, इसमें लिखा है हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTEC, BE, MTEC, ETC विथ और विथआउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। तो फ्रेंड्स, आपके पास अगर BTEC है और आप डिप्लोमा नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स आप इसमें जो है अप्लाई नहीं कर सकते, आपके पास जो है इसमें डिप्लोमा होना जरूरी है। फ्रेंड्स, इसमें एज लिमिट की बात करें तो 27 साल इसमें मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है जनरल की, 30 साल इसमें OBC की मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है फ्रेंड्स, और 32 ईयर फ्रेंड्स 32 साल जो है इसमें ST SC की एज लिमिट जो है इसमें रखी गई है फ्रेंड्स। जनरल और EWS की इसमें 27 साल जो है एज लिमिट रखी गई है, और फ्रेंड्स आप मिनिमम एज जानते हैं कि 18 साल जो है आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम। फ्रेंड्स, इसमें रिलैक्सेशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है OBC जो कैटेगरी वालों को फ्रेंड्स इसमें 3 ईयर का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा, SC ST वालों को 5 ईयर का, EWS को फ्रेंड्स नो रिलैक्सेशन। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है कैटेगरी वाइज जो है जो इसमें रिलैक्सेशन फ्रेंड्स दिया जाएगा, एक्स सर्विस मैन को फ्रेंड्स इसमें जो है अलग अलग जो है गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम और इम्पोर्टेंट जो है देख लेते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है फ्रेंड्स, वो ओनली रिटन टेस्ट आपका जो है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका CBT जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है आपका इसमें रहने वाला है, और ओनली रिटन टेस्ट आपका इसमें रहेगा। और फ्रेंड्स, रिटन टेस्ट के बारे में बात करें तो 120 मार्क्स फ्रेंड्स आपके जो 120 क्वेश्चन जो है आपके जो है फुल टेक्निकल आने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपके जो ट्रेड है उसी फील्ड से फ्रेंड्स आपके जो है 120 क्वेश्चन जो है इसमें फुल टेक्निकल आने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इसमें जो है 2 पेपर होंगे फ्रेंड्स, जिसमें फर्स्ट पेपर में जो है आपके 120 क्वेश्चन आएंगे जो आपकी ट्रेड से रहेंगे, जो आपकी फील्ड से रहेंगे, जो आपकी ब्रांच से रहेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें 50 क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल आएंगे, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स एप्टीट्यूड फ्रेंड्स और इसमें GK वगैरह जो है इसमें आपको 50 क्वेश्चन में देखने मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे ज़्यादा रेशियो है वो टेक्निकल का है फ्रेंड्स, लगभग 120 क्वेश्चन आपको जो है टेक्निकल इसमें आने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 की फ्रेंड्स, जो है इसमें आपके 4 क्वेश्चन गलत होने पर फ्रेंड्स एक जो सही है वो भी इसमें काट लिया जाएगा फ्रेंड्स, इसमें 1/4 की जो है इसमें फ्रेंड्स आपकी जो है माइनस मार्किंग रहेगी।
तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसमें पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। तो फ्रेंड्स इसमें जो है अनरिजर्वड के लिए फ्रेंड्स इसमें 40% पासिंग मार्क्स होना ज़रूरी है, और फ्रेंड्स इसमें जो STSC जो कैंडिडेट्स हैं फ्रेंड्स उनके लिए जो है 30% इसमें पासिंग मार्क्स जो होना ज़रूरी है। फ्रेंड्स पासिंग मार्क्स का मतलब ये नहीं है कि आप अगर 40% ले आते हैं तो आप पास हो जाएंगे, फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको फ्रेंड्स जो है इसमें अपनी जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें भी आपको अपना नाम लाना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए पासिंग मार्क्स है फ्रेंड्स, इसमें आपका जो है सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी तरीके से जो है तैयारी कीजिएगा। कैंडिडेट सेल हैव द ऑप्शन फॉर अपेयरिंग इन द रिटन टेस्ट इन हिंदी और इंग्लिश। तो फ्रेंड्स आपका जो रिटन टेस्ट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। फ्रेंड्स इसमें जो है आपका मेडिकल एग्ज़ाम भी होगा, जो है मेडिकल आपका टेस्ट भी इसमें किया जाएगा। फ्रेंड्स इसमें रिटन टेस्ट और के सेंटर्स की बात करें तो आपका जो परीक्षा केंद्र है यह है बेंगलोर, चेन्नई, मदुरई और कोची। फ्रेंड्स इसमें जो है आपका टेस्ट सेंटर जो है आपका रहने वाला है। फ्रेंड्स सारे साउथ के फ्रेंड्स इसमें जो है आपके सेंटर्स रहने वाले हैं। आपको इन सेंटरों में जो है कि इन सेंटरों में से किसी एक में आपको जो है एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। और फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं इसमें जो है आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा फ्रेंड्स, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। और फ्रेंड्स इसमें देख लेते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। तो फ्रेंड्स इसमें जो है स्टाइफंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड ऑफ वन ईयर। तो फ्रेंड्स आपकी इसमें एक साल की ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको 27,500 रुपये पर मंथ जो है फ्रेंड्स आपको संस्था की तरफ से दिया जाएगा। फ्रेंड्स इसमें जो बात करें अगर आपकी जो है इसमें जो आपका लेवल रहेगा वो फर्स्ट लेवल रहेगा, और फ्रेंड्स सुपरवाइजरी कैटेगरी में जो है आपका इसमें जो लेवल रहने वाला है जूनियर इंजीनियर जो है आपकी इसमें पोस्ट रहने वाली है। और फ्रेंड्स इसमें हम बात करें तो जब आपकी ट्रेनिंग जो है फ्रेंड्स कंप्लीट हो जाएगी तो उसमें जो है आपका पे स्केल 25,000 से फ्रेंड्स 1,17,500 रुपये जो है इसमें आपका पे स्केल रहने वाला है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आगे हम बात करें तो इसमें आपको IDA HRA फ्रेंड्स वगैरह जो है अलाउंसेस आपको सारे जो है फ्रेंड्स संस्था की तरफ से जो है दिए जाएंगे। फ्रेंड्स HRA वगैरह जो है हाउस रेंट अलाउंस, DLNS अलाउंस फ्रेंड्स, ट्रैवलिंग अलाउंस जो है सब आपको फ्रेंड्स जो है संस्था की तरफ से इसमें गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है इसमें आपको दिया जाएगा आफ्टर ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स आइए हम देख लेते हैं सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड्स। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसमें जो है आपसे बॉन्ड भराया जाएगा जिसमें 2.5 लाख फ्रेंड्स 2,50,000 की समथिंग जो है फ्रेंड्स इसमें UR और OBC और फ्रेंड्स EWS कैंडिडेट से बॉन्ड भराया जाएगा। और फ्रेंड्स इसमें 1,25,000 का जो है फ्रेंड्स इसमें STSC PWD कैंडिडेट से इसमें बॉन्ड भराया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये पावर ग्रिड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो फ्रेंड्स इसमें जो है आपको जो है इसमें बॉन्ड भराया जाएगा। ये बॉन्ड फ्रेंड्स ऐसा होगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि फ्रेंड्स यदि आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं इस संस्था से और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद यदि आप किसी और संस्था में ज्वाइनिंग ले लेते हैं तो फ्रेंड्स ये जो एग्रीमेंट है ये जो बॉन्ड है आपको इसमें जो है भरना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स कंपनी अगर कहेगी कि आपने जो है ट्रेनिंग हमारे यहाँ से की और जॉब कहीं और कर रहे हो तो फ्रेंड्स उस बेस पर फ्रेंड्स ये जो है बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बॉन्ड है फ्रेंड्स गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग रहता है। फ्रेंड्स आपको इसमें जो है 3 ईयर तक फ्रेंड्स जो है जॉब करना अनिवार्य है। फ्रेंड्स आपको इसमें जो है अगर फ्रेंड्स थ्री ईयर तक जो है आपको इसमें जॉब करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर उससे आप पहले कहीं जाते हो तो फ्रेंड्स आपको जो है ये बॉन्ड फ्रेंड्स संस्था को पे करना पड़ेगा। अब आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो फ्रेंड्स इसमें जो है 300 रुपये आपका ट्रांजैक्शन चार्ज लगने वाला है फ्रेंड्स। STSC EW PWD कैंडिडेट के लिए फ्रेंड्स इसमें कोई चार्जेस नहीं लगने वाला है। फ्रेंड्स इसमें अप्लाई करने का जो दिया गया है तो फ्रेंड्स इसमें जो अप्लाई करने का लिंक है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। आप वहां से इस जॉब के लिए जो है इस रिक्वायरमेंट में जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं सारा कुछ इस वीडियो में आपको जो है क्लियर कर दूंगा कि इस किस तरह से आपको अप्लाई करना है। फ्रेंड्स इसमें पहले आपको ऑफिशियल साइट पर जाना है पावर ग्रिड की, उसके बाद आपको करियर सेक्शन में जाना है, फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में जाना है, ओपनिंग्स में जाना है, रीजनल ओपनिंग्स में जाना है, साउथर्न रीजन। फ्रेंड्स ये जो भर्ती है ये साउथ की तरफ से बेंगलोर से निकल कर आ रही है। तो फ्रेंड्स उसमें जो है आपको फिर इस तरह से जो है अप्लाई करना है, और अप्लाई करने की लिंक मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आपको मैं दे दूंगा।
और फ्रेंड्स देख लेते हैं इसमें जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। और फ्रेंड्स नीचे चलते हैं, अगर कुछ ऐसा लगेगा कि जो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो मैं आपसे फ्रेंड्स इसमें जो वीडियो में शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स जो भी इसमें लिखा गया फ्रेंड्स, इसमें जो है मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल होनी चाहिए। और फ्रेंड्स आपकी जो इसमें फ्रेंड्स एज जो है काउंट की जाएगी वो इस रिक्वायरमेंट की लास्ट डेट के फ्रेंड्स हिसाब से जो है कैलकुलेट की जाएगी। फ्रेंड्स इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वहीं से जो है आपका इसमें जो है एज कैलकुलेट किया जाएगा। और फ्रेंड्स हम आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम आगे इसकी बात करें तो इसके फ्रेंड्स अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 9/6/2021 से फ्रेंड्स 10 बजे से इसका जो है चालू होगा फ्रेंड्स। और इसके रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट की बात करें तो 29/6/2021। तो फ्रेंड्स 29/6/2021 जो है आपकी इसमें लास्ट डेट रखी गई है। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड्स ऑन वेबसाइट, तो फ्रेंड्स जो है आपको जो एडमिट कार्ड है वो आपको वेबसाइट की जो है ऑफिशियल साइट से आपको इसमें मिल जाएगा। फ्रेंड्स इसमें रिटर्न टेस्ट की जो डेट है वह है 22/8/2021 जो है इसमें डेट दी है फ्रेंड्स। तो ये फिक्स नहीं है फ्रेंड्स, इस डेट के बाद भी अगर कोविड उस टाइम फैला तो फ्रेंड्स वो जो डेट है आपको एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन फ्रेंड्स फिलहाल में यही डेट आपको दी गई है कि 22/8 फ्रेंड्स जो है 22/8/2021 जो है आपकी इसमें एग्ज़ाम की फ्रेंड्स डेट रहने वाली है। तो फ्रेंड्स यही नोटिफिकेशन आया था डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए, काफ़ी अच्छी जॉब है फ्रेंड्स। आप जानते हैं कि काफ़ी कम भर्ती निकल कर आती है फ्रेंड्स, आधी भर्तियों में फ्रेंड्स एक्सपीरियंस मांगता है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो प्लीज़ इसे अप्लाई करें। परमानेंट जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है और एक महारत्न कंपनी में फ्रेंड्स सिक्योर आपकी जॉब इसमें रहने वाली है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने जो है फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स इसे शेयर करें। तो प्लीज़ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, जय हिंद एंड बाय बाय।